हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एसएफएम की क्लासेस कहां से ली थी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, फाइनली सीए फाइनल में आ चुका हूं मैं। जब आया था नया सीए के कोर्स के अंदर, जब सीए फाउंडेशन के एग्जाम दी थी, तब सोचा था कि यार 320 मार्क्स लाएंगे या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में। ऐसा हुआ नहीं। फिर सोचा था कि यार सीए इंटर के अंदर तो ऑल इंडिया रैंक ही लेके आएंगे, भले ही टॉप 10 में ना आए बट ऑल इंडिया रैंक जरूर लेके आएंगे सीए इंटर के अंदर। 3 अटेम्प्ट लग गए। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। बट कोई बात नहीं यार, अब सीए फाइनल में देखते क्या होता है। अभी मैं पहले से कोई डिसाइड नहीं कर रहा कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक लानी है, फर्स्ट टाइम में पास होना है, बस अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है और एग्जाम्स दे, बाकी तो देखा जाएगा कि क्या होना है आगे। विश मी ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं कि मैंने एसएफएम की क्लासेस ली कहां से। मेरे को बहुत डाउट था क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फैकल्टीज है एसएफएम के लिए। मैंने दोस्तों से पूछा तो मेरी एक सीनियर आर्टिकल विशेषा और मेरा एक दोस्त साहिल ने मुझे रिकमेंड करा प्रवीण खातोड़ सर का नाम। ये काफ़ी अच्छी फैकल्टी है एसएफएम के लिए, काफ़ी ऑल इंडिया रैंक्स दे रखे हैं इन्होंने। तो मैंने प्रवीण खातोड़ सर के डेमो लेक्चर्स देखे जो कि यूट्यूब पे पड़े हुए, और हाँ फिर मैंने सोचा कि ले सकते हैं, लेक्चर्स अच्छे हैं। सर की दो बैचेस है, एक तो रेगुलर बैच और एक डिटेल फास्ट ट्रैक बैच। रेगुलर बैच है वो 11999 की है और जो डिटेल फास्ट ट्रैक बैच है वो 6999 की है। ये बेसिक वाला ऑप्शन है यानी कि इस पे 1.5 व्यूज मिलेंगे आपको, 6 मंथ्स का वैलिडिटी पीरियड रहेगा। और जो ड्यूरेशन है वो रेगुलर वाले की अप्रॉक्स 250 आवर्स और डिटेल फास्ट ट्रैक की अप्रॉक्स ड्यूरेशन है 210 आवर्स। अभी तक मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा है और काफ़ी अच्छी लग रही है क्लासेस। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि जो सर कोई क्वेश्चन देते करवाने को, स्टूडेंट्स को सॉल्व करने को क्वेश्चन देते हैं, तो उनको पता रहता है कि स्टूडेंट इसमें कौन सी गलती करे, बट स्टिल वो क्वेश्चन वो उस गलती के हिसाब से करवाते हैं और फिर आखिरी में जाके उसको कटवा देते हैं। मतलब बहुत सारों को मज़ेदार नहीं भी लग सकती है, बट मुझे लगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब हम अपन लोग लास्ट में जाके रिवाइज करेंगे। जब हमारा बहुत टाइम बाद एक अटैम्प्ट आएगा तो अपने को पता रहेगा कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स है, क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक है जो कि अपने को नहीं करनी एग्जाम्स के अंदर। अब बात करते हैं बुक्स की। सर की बुक में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं कि जो सर खुद क्लास वर्क में लिख के करवाते हैं, और दूसरे क्वेश्चन वो होते हैं जो सर कैलकुलेटर पर सॉल्व करा देते हैं जो कि ईजी हो और उसका आंसर क्रॉस चेक करा देते हैं बुक में से। टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं होमवर्क क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को खुद को करने रहते हैं। अगर स्टूडेंट्स को अपना आंसर क्रॉस चेक करना है, क्वेश्चंस के साथ ही आंसर दे रखा है बुक के अंदर, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं उससे। इसमें मुझे 4 बुक्स मिली है, बट मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि 2 बुक इसमें कलरफुल है और 2 बुक ब्लैक एंड व्हाइट है। खैर, अपने को क्या करना है, अपने को तो पढ़ाई से मतलब है। अपने जब जिंदगी बेरंगीन हो गई हो तो बुक्स कलरफुल हो या ब्लैक एंड व्हाइट क्या फ़र्क पड़ता है।